Subscribe Mala Noonkun Academy. Press the bell icon. Never miss a video from Mala Noonkun Academy. Hello everyone. Welcome to Mala Noonkun Academy. My name is Ehsan Mala. Today we are going to discuss about very most important chapter, that is trigonometry. Dear student, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करना है trigonometry class 10th chapter number 8. NCERT बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और क्लास 10 में सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका. बोर्ड एग्ज़ाम में 15 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है. NCERT क्लास 10 की बुक में सबसे हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ख़ासकर आपको आगे मैथमेटिक्स लेना है तो क्लास 10 जो क्लास 11, 12 में आपको बहुत हेल्पफुल होगा. अगर आपने क्लास 10 में अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी कंसेप्ट डेवलप किया, अगर आपका फाउंडेशन सही हो गया तो आपका ढांचा सही होगा और आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आसान से आएगा. और क्लास 11 और 12 में आपको फिजिक्स और मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा. तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी कॉपी और पेन लेके मेरे साथ बने रहे, लास्ट तक मेरे वीडियो को देखिए. और जहाँ आपको समझ में नहीं आता है, जहाँ आपको प्रॉब्लम होता है, वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए, फिर से रिज्यूम कीजिए, फिर से पॉज कीजिए. अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे आप लोग चैट कर सकते हैं. अगर आपको कोई एनी क्वेरी आस्क मी, तो डियर स्टूडेंट हम बेसिक लेवल से समझा देंगे एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हम हमारी रियल लाइफ में इसका क्या एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री का पहला कंसेप्ट किसने दिया था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है और रेसिप्रोकल्स क्या होता है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. ये बेसिक लेवल से एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है. ट्रे का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है साइड्स और मैट्री का मतलब होता है मेजर. 3 साइड वाले फिगर को मेजर करने को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री. एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ड्रा हुआ था कहाँ से, ग्रीक लैंग्वेज से. कहाँ से, ग्रीक लैंग्वेज से. ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है ट्रेक को 3, गोन को साइड्स, मैट्री को कहा जाता है मेजरमेंट. 3 साइड वाले फिगर को मेजर करने को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री. तो 3 साइड फिगर हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें ट्रायंगल में. इसका नाम क्या है, 3 साइड वाले फिगर का नाम क्या है, ट्रायंगल. ट्रायंगल बहुत सारे टाइप का होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, इस सारे ट्रायंगल का टाइप्स है. तो डियर स्टूडेंट हम इसका डिफिनेशन भी देखेंगे. डिफिनेशन क्या बोल रहे हैं, देखो डिफिनेशन में बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथ्स. एक मैथ्स का ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल. किसी ट्रायंगल की साइड और एंगल में क्या रिलेशन है, साइड और एंगल की रिलेशन. देखो ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हमें किसके बारे में स्टडी करना है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड. ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल. एंगल और साइड में क्या रिलेशन है, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल. साइड और एंगल में क्या रिलेशन है हम देखेंगे. इसी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री. और ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री पूरे डिपेंड होता है किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे. हाँ, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पूरे डिपेंड किस पे करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करता है. अगर राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करता है, बाकी ट्रायंगल हमें सॉल्व कर सकता है. ये नहीं है कि बाकी ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं होगा. बाकी ट्रायंगल को हम ऐसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, दो क्या बन गया, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. तो कहने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री पूरा डिपेंड किस पे करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे करता है. तो डियर स्टूडेंट हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला कंसेप्ट दिया था, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है किसको, हिपरकस को. एक्चुअली हिपरकस ग्रीक एक एस्ट्रोनॉमर है, ग्रीस वाले है. तो हिपरकस इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि पहला कंसेप्ट दिया था हिपरकस ने. एक्चुअली ये ग्रेट एस्ट्रोनॉमर था ग्रीस का.
इसने पहले कंसेप्ट दिया था किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज। अब देखो हम देखेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। एस्ट्रोनोमर, जब आप कोई दो स्टार की डिस्टेंस देखेगा, देखो डिस्टेंस दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली। आप डायरेक्ट इसको मेजर नहीं कर सकते, ये सन है या आपका अर्थ है, ये दोनों का डिस्टेंस बहुत है, तो ये दो आप लोग डायरेक्टली इसको मेजर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है। अब आर्किटेक्चर की बात करूँ, आर्किटेक्चर को किसी को एक बिल्डिंग का जैसे कि कुतुब मीनार के हेड देखना है, तो उस वक्त यहाँ पे क्या अप्लाई होना है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होना है। फिजिशियन के लिए भी यहाँ पे भी फिजिक्स के लिए भी इस्तेमाल होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ख़ासकर इंजीनियरिंग के लिए भी। डियर स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो आप सब लोगों को मालूम है, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी एक एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो राइट ट्रिग्नोमेट्री पूरी डिपेंड किस पे करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होता है, इसको बेस कहा जाता है सबसे नीचे वाले को, हाइपोटेन्यूज इसको कहा जाता है जो स्लैंटिंग लाइन होता है, आई साइड वाला लाइन होता है ये, और ये सबसे ये लॉन्गेस्ट लाइन है, इसी को हेपो कहा जाता है, और जो वर्टिकल लाइन होता है इसको होता है परपेंडिकुलर कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे फैमिली मेंबर का नाम है, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के भी हमने नाम दिया, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का भी हमने नाम दिया बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, और इसका नाम है राइट एंगल। इन दोनों का नाम हम कैसे रखेंगे, इस चलो मान लिए इसका नाम हम थीटा रखेंगे, थीटा इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, और हमें इसका निकालना है ए बी सी नाम रखा, चलो हमने नाम जो भी रखो आपको मर्जी, नाम का कोई ऑर्डर नहीं होता इसमें। अगर हम सी का वैल्यू निकालना है तो आपको पता है कि सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना आएगा, 180। सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी इन तीनों को मिला के कितना होता है, 180 होता है। अगर हमने एंगल ए का वैल्यू थीटा रखा, बी का वैल्यू हमने 90 रखा, सी का वैल्यू हमें निकालना है 180, तो 90 को इससे ट्रांसपोज करो कितना हो गया, थीटा प्लस सी इक्वल टू 90 बच गया, क्योंकि 180 में से 90 निकालो। अब C का वैल्यू निकालना है तो 90 माइनस थीटा, तो C का वैल्यू हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है ये 90 है, तो इन दोनों का सम 90 आएगा, A और C का, A और C का सम 90 आएगा, ये सम 90 आएगा। लेकिन अगर ये थीटा मान लिया 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका नाम 90 माइनस थीटा। तो हमने सब का नाम रखा, इसका थीटा, इसका 90, इसका 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर कितना मेंबर बन गया, 6 मेंबर बन गया। अब हमें क्या करना है, नाम रख के क्या फ़ायदा है, अब नाम के बीच में रिलेशन होता है, जिस तरह से हमारी अली सज्जाद ऐसे ऐसे नाम होता है, नाम के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। दिस इज़ माई वाइफ, दिस इज़ माई हस्बैंड ऐसा बोलता है, भाई बहन का रिलेशन होता है, माँ बाप का रिलेशन होता है, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में भी यहाँ पे रिलेशन बन जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी यहाँ पे रिलेशन बन जाता है, सेट रिलेशन बन जाता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसको कहा जाता है, द रेशियो ऑफ द सेट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होता है हमारे पास। देखो पी अपन एच जो राइट एंगल ट्रायंगल की सेट की रेशियो को कहा जाता है, सेट की रेशियो को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिससे, और ये बहुत सारे बच्चों ये परेशान होते हैं, ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या होते हैं, ये सारे रिलेशन का नाम है, क्या है, ये सारे रिलेशन का नाम है। जिस तरह से हमारे रिलेशन का नाम होता है, जैसे कि भाई बहन का रिलेशन होता है, जैसे कि मान ले यहाँ दो नफर है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये इसका हस्बैंड है, ये इसका क्या हो गया, वाइफ हो गया, वाइफ हस्बैंड क्या है, रिलेशन का है, रिलेशन का नाम है ये। उसी तरीके से दो सेट में जो रेशो का नाम दिया है, रिलेशन का नाम, तो हम जानेंगे पहले, सबसे पहले तो इससे पहले आपको पता है बहुत सारे बच्चे होते हैं परेशान होते हैं कि हमें परपेंडिकुलर किसको मानना है। देखो 90 के जो सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, और थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर
कहा जाता है, और जो नीचे वाला है, नीचे वाला लाइन जहाँ पे एंगल दोनों बनते हैं, इसको बोलते हैं एडजेसेंट सेट। जो एडजेसेंट सेट होता है इसको माना जाता है बेस। और दूसरा केस समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, अगर थीटा अगर ये होगा तो इसकी सामने वाला ये हो, आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये आपका बेस हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया, यहाँ से आपका जो परपेंडिकुलर बदलते रहता है वो सिर्फ डिपेंड करती किस पे, एंगल पे, एंगल के सामने इस थीटा के सामने वाले हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा के सामने वाले क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। चलो हम रिलेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला रिलेशन है साइन। साइन, साइन का असली फुल इसका नाम होता है साइन, ये शॉर्ट फॉर्म है साइन। पहला रिलेशन का नाम दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पहला रिलेशन का नाम। दूसरा रिलेशन का नाम होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम बोलते हैं कॉस। कॉस का फुल फॉर्म है कोसाइन, एक्चुअली कोसाइन होता है, हम कॉस शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। और तीसरा होता है हमारे पी अपॉन बी, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का नाम होता है टेन या टेंजेंट, फुल फॉर्म इसका टेंजेंट है, टेंजेंट को हम टेन बोला जाता है। और इसके बाद बाकी जो तीन रिलेशन हो गया, एक रिलेशन, दो रिलेशन और तीन रिलेशन, और तीन इसका उल्टा हो जाएगा, तीन इसका उल्टा हो जाएगा। और कोस, यहाँ कोसेक, कोसेक को बोलते हैं कोसेकंड, कोसेकंड का उल्टा होता है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। और सेक का सेकंड होता है सेकंड, ये फुल फॉर्म है सेकंड, और इसका रिलेशन का नाम है, रिलेशन होता है ये एच अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को कहा जाता है हम सेक बोला जाता है। और कॉर्ड उल्टा, जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड किसका उल्टा होता है, कॉर्ड होता है टेन का उल्टा होता है, इसी को फुल कॉर्ड का फुल फॉर्म है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का रिलेशन है यहाँ पे सेट रेशियो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का नाम है कॉट। तो एक्चुअली आप लोगों को समझ में आया है, इस यहाँ पे हमने एक्चुअली देखो यहाँ पे साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। अब ये सारे रिलेशन आप कैसे याद रखेंगे, याद रखना बहुत ईजी है। पहले हम जब हम छोटा था उस वक्त हमें भी याद नहीं रहता था, तो हम कैसे याद करते, देखो इसका एक शॉर्ट लॉजिक है, एक नोमोनिक है, कैसे याद करना है ये आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। देखो आपको इजी समझ में आएगा, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है आपका साइन, और ये आपका होता है कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमारा होता है टेन, और ये उल्टा यहाँ से लिया जाएगा तो उल्टा लिया जाएगा तो ये होता है कॉट, और ये होता है आपका सेक, और ये आपका होता है कोसेक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिसिप्रोकल्स, यहाँ पे रिसिप्रोकल्स ऑफ रेशो पढ़ेंगे। साइन किसको उल्टा होता है, अभी बोला हमने कोसेक के, और कोसेक किसको उल्टा होगा, वन अपॉन साइन के बराबर होगा। कॉस ए किसके, वन अपॉन सेक, और सेक ए किसके बराबर, वन अपॉन कॉस। टेन ए किसके बराबर, वन अपॉन कॉट, कॉट ए किसके बराबर, वन अपॉन टेन। और इसमें और एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये आपको देखो, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी आप लोगों को याद रखना है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो ये चीज। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब अवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लाइक अस अवर फेसबुक एंड ज्वाइन व्हाट्सएप। इसी तरह हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, लव यू ऑल।